पाकिस्तान के सियासतदान जितने सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आते हैं, काश कि अगर उसका 50% भी आवाम पर लगा देते तो शायद आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होते। सियासतदानों की इन लड़ाई में अब तो सहाफियों ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया तो जैसे दिल की भड़ास निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म की सूरत इख्तियार कर चुका है। जो कुछ टीवी पर नहीं बोल सकते वो सोशल मीडिया पर बोल दो। जैसा कि सोशल मीडिया की साइट ट्विटर पर वायरल इस बहस को देख लें। इमरान खान ने बयान दिया कि अब हम आर्मी चीफ की तायनाती के मामले से पीछे हट गए हैं, जिस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के बयान को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि तुम हो कौन भाई। तो ऐसे में फवाद चौधरी कहां पीछे रहने वाले थे, और अब तक के सबसे बदतमीज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहने वाले मिस्टर फवाद चौधरी साहब ने मौजूदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को तमीज सिखाने की ठान ली। मगर जरा इनका जवाब गौर से सुने। फवाद चौधरी ने मरियम औरंगजेब को जवाब देते हुए लिखा कि ये कौन सी बाजारी जुबान है, अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गई हो तो तमीज सीखो बात करने की, इडियट। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि तमीज सिखाने वाले जनाब ने कितने मुहज़्ज़िबाना अल्फाजों का चुनाव किया है जिससे उनमें मौजूद तमीज का पता चलता है। ऐसे में हामिद मीर भी इस बहस में कूद पड़े और फवाद चौधरी को उनका माजी याद दिला दिया। हामिद मीर ने फवाद चौधरी के जवाब पर जवाब देते हुए लिखा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनकर किसी को थप्पड़ तो नहीं मारा जी। याद रहे कि तमीजदार फवाद चौधरी ने अपने वक्त में जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तब समी इब्राहिम और मुबशर लुकमान को थप्पड़ मारे थे।